और अब बात नवरात्रि की। नवरात्रि शुरू होने में चंद दिन ही शेष बचे हैं। मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को भव्य रूप देने में जुटे हैं। जयपुर में काली और सोना गाछी की मिट्टी से कलाकार मूर्तियां बना रहे हैं। अलग अलग थीम पर सजाए जा रहे पंडाल भी बेहद खास होंगे। देखिए रिपोर्ट। राजधानी में सजने लगे मां दुर्गा के पंडाल। प्रतिमाओं को भव्य रूप देने में जुटे मूर्तिकार। गुलाबी थीम पर शक्ति स्वरूपा के पंडाल। बंगाली संस्कृति की दिखेगी झलक। नवरात्र पर लगने वाले दुर्गा पंडालों के लिए मां दुर्गा की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इन प्रतिमाओं की खास बात यह है कि काली और सोनागाछी की मिट्टी से बनाई जा रही है। दुर्गाबाड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए कोलकाता से कलाकार आए हैं, जो अपने साथ मिट्टी भी लाए हैं। पश्चिम बंगाल के सोनागाछी की मिट्टी की विशेष मान्यता है। इसके साथ ही सोनागाछी की काली मिट्टी पानी में घुलने में आसान होती है। बीते साल के मुकाबले इस साल प्रतिमाओं का कद 3 से 4 फीट तक बड़ा है। पंडालों में स्थापित मां का स्वरूप स्त्री सम्मान के साथ ही सद्भाव का संदेश भी देता है। शहर में 100 से अधिक कलाकार कई पीढ़ियों से जयपुर में आकर मूर्ति बना रहे हैं। पेंटिंग के लिए अपने वाटर कलर, एशियन पेंट के कलर यूज किए जा रहे हैं और इनके बंगाली पैटर्न के हिसाब से जो चेहरा बनता है ना, उसके हिसाब से चेहरा बना है इसका जी। तो बंगाल साइड में चलता है ना अपना वो। क्या स्वरूप दिया जा रहा है माता को, कौन सा रूप आप बना रहे हैं? स्वरूप तो देखो ऐसा दिया जा रहा है, जो अपने काली माता ये दुर्गी होती है ना, वैकसुरी, मतलब डेंजर रूप में दिया जा रहा है। दुर्गाबाड़ी में कुमार कुली कोलकाता से आए कलाकार अमित पाल ने बताया कि पुरानी रजवाड़ी माँ दुर्गा, सरस्वती, काली, लक्ष्मी की प्रतिमाएं विशेष हैं। कई प्रतिमाएं ऑर्डर पर भी बनाई जा रही हैं। यहां मुख्य 5 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। बंगाल की प्राचीन कला संस्कृति इस बार मंदिर रूपी पंडाल में देखने को मिलेगी। आज जयपुर में 3 लाख से ज्यादा बंगाली समाजजनों की आबादी है। युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने के लिए मां के हर रूप के जरिए सरलता से जीवन जीने की कला विद्वान बताएंगे। हम लोग यहाँ पे 2-3 मूर्ति है यहाँ पे, और ये है दुर्गाबाड़ी का मूर्ति, और कोलकाता से हम लोग मिट्टी लाते हैं। एक्चुअली कोलकाता से काला मिट्टी जो लाते हैं और गंगा मिट्टी लाते हैं। गंगा मिट्टी इसलिए लाते हैं क्या, वो फिनिशिंग काम अच्छा होगा इसलिए लाते हैं। और क्या, यहाँ का जो मिट्टी है वो मिट्टी में फिनिशिंग अच्छा नहीं होता और कलर भी अच्छा नहीं होता, इसलिए हम लोग कोलकाता से गंगा मिट्टी लाते हैं। दुर्गाबाड़ी में मां की शक्ति के रूप को दर्शाने के लिए 7 समंदर पार वियतनाम के सफेद मार्बल पत्थर से 12-12 फीट की प्रतिमाएं भी खास हैं। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रों की शुरुआत 2 अक्टूबर से होने जा रही है। इसके लिए राजधानी में विशेष तैयारियां अंतिम दौर में हैं। न्यूज 18 के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट।